Tick-tick-tick-tick. काटे। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह तकरीबन 10 बजे से और सामने आप मौसम देख लीजिए, मौसम थोड़ा बादल वाला है, थोड़ी धूप धूप भी निकली है और मैं और गोरू आज हैं घर में साथ में दोस्तों, और बाकी सभी लोगों का भी खेत गए हैं। और एक ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हैं दोस्तों ट्रैक्टर के परिणाम। ट्रैक्टर में रिवर्स कर मैंने डाला तो उसके ये परिणाम है, और साथ में गोरू पर ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं दोस्तों। ये कैसे लगी हूं मैं आपको बताऊंगा। और सामने आप देखते हैं हमारी प्यारी गोलू को, गोलू गोलू ये हर एक चीज खाती है दोस्तों, हर एक चीज। अब इसको हमने खाना खाने लगा दिया है और ये सो हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुमन ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे साथ है मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की देवी माता गौरू। और गौरू सोच रही है मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं गौरू से बात कर रहा हूँ, है ना गोलू? गैल अगर छोटे बच्चे घर में हो दोस्तों तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। और आजकल हमारे यहाँ चला है मक्की का काम, तो जो ट्रैक्टर मैंने पीछे से जैसे कि मैंने रिव्यू दिए थे आपको, सिराची 100 उसका मॉडल नंबर है, तो उसमें जो मैंने रिवर्स गियर डाला दोस्तों, और थोड़ी नैरो जैसा हमारा खेत था क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के खेत आप जानते हैं दोस्तों, तो ट्रैक्टर जैसे मैंने रिवर्स गियर डाला और एक्सीलेटर मेरा फुल था तो ट्रैक्टर मेरे पाँव के ऊपर आ गया, जिससे मेरे को थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई दोस्तों, मतलब 5-7 दिन मेरे से चला नहीं जाएगा। और आप सामने देख सकते हैं ये वाले हाथ हैं, ये वाले हाल है अपने पाँव के, और ये चलो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। और आगे आगे आप देखेंगे इस ब्लॉग में दोस्तों, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप भी अपने खेतों में मिनी ट्रैक्टर या कल्टीवेटर बीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल एहतियात बरतें, मेरी तरह गलती ना करें। एक तो आप जूते पहन के जाएं और थोड़ा मतलब ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से उसको चलाएं दोस्तों, हबड़ा दबड़ी ना करें, ताकि बड़ी चोट लग सकती, मेरे को लग सकती थी, वैसा नहीं हुआ। गनीमत ये रही, भगवान की कृपा ये रही। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस बात का खास ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और आप लोग अपने इलाके में आजकल क्या काम कर रहे हैं हमको जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारे यहाँ बरसात पड़ चुकी है दोस्तों, अब बरसात का मौसम है और बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं, अब तो सड़े नालियाँ बनाने का काम चल रहा है। और ये रहा हमारा गोरु, है ना गोलू? वो गंदे बच्चे, और गंदे बच्चे ए देखो इसका मस्ती, ओ नंगू नंगू पजामू पजामू, इसका पजामू दोस्तों उतर जाता है बार बार और ऐसे सोता है। ओ गुरु गुरु, ओ गुरु गुरु, ओ गुरु गुरु, ओ गुरु गुरु, उधर काय को तुम करता है, काय को तुम उधर करता है, हैं दोस्तों पलटने की कोशिश करती है अब दिन प्रतिदिन। ये इसकी टांगे चली होती हैं और पलटने की कोशिश करती है। और छोटे जैसे बच्चा अगर आपके घर में हो दोस्तों तो किसी खिलौने से कम नहीं, आपके दिन भर की थकान, ऐसी चोटों का दर्द आपको नहीं होगा जब तक आपके घर में ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे होंगे। और ये हाथ में पकड़ती है फोन को गल कीजे ही पापा, गोरू बैठ जाती है दोस्तों। अब दोस्तों गोरू बैठ जाती है बिना किसी, थोड़े जैसा सपोर्ट इसको लानी पड़ती है, वैसे ये बैठ जाती है। और ये देखो गोलू गोलू गले गले अच्छे, ये देखो हाथ ही खेलना तू ए ओ बाबा। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर में, है ना गोलू? थोड़ी देर में हम मिलते हैं, जब हम खाना खाएंगे तब मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों, थोड़े टाइम में हम मिल रहे हैं आपसे।
दोस्तों बोरू को शायद भूख लगी है और इसको मैं थोड़ा बहुत कुछ सरलक वगैरह खिला देता हूँ, बाकी दूध इसको पिला दिया है। और गोरू का सरलक रखा है हमने ऐसे वाले अलमारी में। वो कहाँ है शैरलक पुत्र का? शैरलक कहाँ है गोलू का? गुरु का शैरलक यहाँ तो नहीं है, तो गुरु का शैरलक उधर भी नहीं है। और बड़े टाइम बाद अगर आप किचन में आते हैं दोस्तों तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और ये फाइनली गुरु का शैरलक का डब्बा ये मिला जी, ये इसको हम खिलाएंगे शैरलक जो 6 मंथ के बेबी के लिए होता है। और ये 6 मंथ के बेबी के लिए होता है दोस्तों। तो ये रहा शैरलक का डिब्बा और इसको दूध और गर्म पानी में आप खिला सकते हैं। हम इसको अब दूध में खिला रहे हैं और इसके लिए हमने अलग बर्तन रखे हैं गौरू के लिए दोस्तों। गौरू की कटोरी कहाँ है गोलू? कहाँ है कटोरी आपकी? गिलास तो मिल गया आपका, ये गौरू का गिलास। आपकी कटोरी कहाँ है? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा और मेरे गुरु के चैनल पे। और सामने आप देख सकते हैं हल्की फुल्की धूप अभी जारी है और मैं और गुरु बैठे हैं लेंटर पे और सामने ऐसा जैसा कुछ हाल है अपने पाँव का। और अभी गुरु की मैं फीडिंग करा रहा हूँ दोस्तों, उसको खाना खिला रहा हूँ। और इसके लिए मैंने बनाया है, ये है शैरलक दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं। और गोरू को खिलाना भी एक चैलेंज से कम नहीं है। तो गोरू को सबसे पहले लगाते हैं ऐसे, ऐसे लगाएंगे हम। और उसके बाद ये जो शैरलक है दोस्तों, बच्चों का जो इनकी एज के मुताबिक होता है, तो ये हुई है अभी 6 मंथ की, तो ये लाया हमने इसको मिक्स फ्रूट वाला। और ये खिला रहे हैं गोरू को। कालो गोलू, कालो मेरा पुत्र। अब इसको इतना खाना नहीं आता दोस्तों, बट धीरे धीरे जब आप बच्चों को खिलाते रहते हैं तो ये सीखते रहते हैं कि कैसे खाना है। और खा ले है ना गोलू? अभी मुझे इतना खाना नहीं आता है पापा। नहीं पापा, लो 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 लो। आहा, बच्चों को टाइम टू टाइम दूध पिलाना, खाना खिलाना बड़ा हल्का फुल्का काम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता कब जैसे उनको भूख लग जाती है। और वैसे ही हमारा गुरु भी है और इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है ना गुरु? कब जैसे गुरु ने खाना खाना है, खाना कैसे खाना इतनी है ना। नहीं बे, तो फोन को झपटे मारती है दोस्तों, चाहती कि फोन मैं ले लूं। और शायद इसको हल्की फुल्की निन्नी भी आ रही है। निन्नी अले गोलू को, निन्नी अले, निन्नी अले, निन्नी अले गोलू को। निन्नी आता है, ये देखो ये एनर्जी भी आ रही दोस्तों, इसको शैरलक की एनर्जी बोलते हैं इसको। हमारे टाइम में ये चीजें नहीं मिलती थी। आप देख लो 2022 के बच्चे शैरलक फ्रूट क्या क्या इनको चीजें चल पड़ी हैं दोस्तों। और ये वैसे ठीक होता है, आप भी जरूर, आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो जरूर उनका खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस एज में अगर बच्चों को आप ठीक तरह से खिलाते हैं तो ताउम्र वो अच्छे रहेंगे। और है ना, गुरु को खिलाता हूँ दोस्तों और उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। और
गोरु को खिलाना भी कुछ कोई चैलेंज से कम नहीं है, और आप लोग भी मेरी तरह ये वाला चैलेंज करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कभी पाँव मारते हैं, टांगे मारते हैं, कभी हाथ पैर मारते हैं, कभी मुंह इधर करेंगे इधर करेंगे, ऐसे कुछ छोटे छोटे। ये देखो अभी मेरे को टांगे मारी थी, अभी बंद होगी जस्ट, तो मैं इसको खिला देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, है ना।